गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम मैथ में डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं और आज हम उसके और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 48 है, इसको डिवाइड 4 के साथ करना है, तो हम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे? आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 4 1 4। तो 4 में से 4 माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या रहता है? जीरो, मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे 8 है, तो 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब 4 का टेबल हम पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो ये बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? 60 को डिवाइड करना है। तो अगर आपको टेबल अच्छी तरह से आता होगा तो हम इसको 12 5 60 कर सकते हैं। अगर आपको टेबल पूरे नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर हमें ऐसे करना है कि 5 1 5, क्योंकि जो 5 है, अगर 5 2 करेंगे तो वो 10 आएगा, जो कि 6 से बड़ा है। तो 6 से हमें छोटा डिजिट आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर छोटा आएगा तो हम इसे माइनस करेंगे। तो अब हमने इसको किया कि 5 1 5, तो 6 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर है 1। अब ये जो 0 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर से हमें टेबल पढ़ना है, 5 1 5, 5 2 10। तो 10 में से 10 माइनस करते हैं तो क्या आता है? जीरो, ठीक है। हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। अब इसका थर्ड पार्ट है, अब फिर है यहाँ 68, इसको हमने 4 के साथ डिवाइड करना है। तो हम कैसे करते हैं? हम फिर से 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8। तो अगर हम 2 के साथ करते हैं तो 8 आएगा, जो कि 6 से बड़ा है। तो मैंने आपको बताया है कि जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा डिजिट होता है, वो छोटे के नीचे अगर आएगा तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमें उससे छोटा नंबर देखना है, यानी 6 बड़ा है, तो इससे हमें वो छोटा नंबर देखना है जो हम इससे माइनस कर सकें। तो हम लिखेंगे 4 1 4, 6 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएंगे? 2। अब ये जो 8 है, इस 8 को हम सीधा नीचे उतारते हैं यहाँ पे, तो ये हो गए हमारे पास 28। तो अब हम 4 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, और 4 7 28। 28 बराबर आ गया। तो आप 28 में से 28 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा? ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे 39 को डिवाइड करना है 3 के साथ। तो यहाँ पे सेम मेथड है, 3 का हमें टेबल पढ़ना है, 3 1 3, 3 में से 3 माइनस 0, ठीक है, वो हम लिखेंगे नहीं। अब हमें क्या उतारना है? सेम 9 उतारना है, ठीक है। तो अब 3 का टेबल फिर से पढ़ना है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। तो 9 में से 9 माइनस करते हैं क्या आएगा? रिमाइंडर 0, मीन्स कुछ भी नहीं, नील। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हमें 72 डिवाइड करना है 6 के साथ। तो यहाँ पे हम इसका टेबल पढ़ेंगे 6 का, 6 1 6, तो 6 1 6, अगर 6 2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 12, जो कि 7 से बड़ा है, तो इसलिए हम उसके साथ नहीं करेंगे। हम किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, 6 1 6, 7 में से 6 माइनस करें तो क्या आता है? 1। 2 जो है ये सेम नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास 12 है,
तो सेम हमें सिक्स का टेबल पढ़ना है, सिक्स वन जार सिक्स, सिक्स टू जार ट्वेल्व, तो ये यहाँ पे ट्वेल्व आ गया। तो ट्वेल्व में से ट्वेल्व माइनस करते हैं, क्या आएगा? जीरो। ठीक है, जीरो हमारे पास रिमाइंडर है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट है, सेवन का टेबल पढ़ना है हमें, तो सेवन वन जार सेवन, सेवन टू जार फोर्टीन, तो फोर्टीन जो है एट से बड़ा है, हम नहीं लिखेंगे, हम इसको वन के साथ करते हैं। सेवन वन जार सेवन, एट में से सेवन माइनस करते हैं तो वन आएगा रिमाइंडर। तो अब क्या उतारेंगे हम? नाइन सेम नीचे उतारेंगे, तो फिर सेवन का टेबल पढ़ेंगे, सेवन वन जार सेवन, सेवन टू जार फोर्टीन, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन, लेकिन थ्री के साथ आएगा तो ट्वेंटी वन आएगा, जो कि नाइनटीन से ग्रेटर है, इसलिए हम इसको टू के साथ करेंगे, सेवन टू जार फोर्टीन। तो नाइनटीन में से फोर्टीन माइनस करो तो कितने आते हैं? फाइव। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, ये हो गए हमारे डिवाइड के क्वेश्चन, आज हम इतने ही करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों की घर में प्रैक्टिस करना, तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।